नमस्कार दोस्तों, बिग बुल मार्केटिंग के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद। तो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस करें IDBI बैंक के बारे में कि आपको शेयर पे जो है निवेश करना चाहिए नहीं, और इस शेयर में जो आपको आने वाले टाइम में क्या टारगेट देखने को मिलेंगे, कहाँ इस शेयर का जो है सपोर्ट बनेगा, कहाँ पर रेजिस्टेंस, सारा हम आपको क्लियर कर देंगे। इस शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो इंडिकेट करें, चार्ट सेटअप जो है वो इंडिकेट करें, टेक्निकल लेवल जो है वो इंडिकेट करें, सारा हम आपको क्लियर कर देंगे। तो गाइस, अगर आप जो है इस शेयर में निवेशक हैं, निवेश करने की सोच रहे, तो वीडियो जो एंड तक जरूर देखेगा, पूरा हम आपको जो है गाइस A to Z क्लियर कर देंगे। तो चलेगा स्टॉक का जो है एनालिसिस शुरू करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम डिस्कस करें IDBI बैंक के बारे में, शेयर के जो है फंडामेंटल जो है वो इंडिकेट करें, फाइनेंशियल जो है वो इंडिकेट करें, और यहाँ पे जो है क्या मोमेंटम बन रहा है। तो आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों में स्टॉक तकरीबन 4%, पिछले 1 महीने में 8%, पिछले 6 महीने में 44%। तो एक रेंज में जो आप देख सकते हैं स्टॉक पिछले कुछ टाइम से चला है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा मेन जो एक वो है गाइस, वो है डिसइन्वेस्टमेंट का। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक जो है यहाँ पे आपको ज़्यादा तेज़ी जो है स्टॉक में देखने को नहीं मिलेगी। एक ही रेंज में जो है आपको स्टॉक ट्रेड होता रहेगा। बाकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। आप देखते हैं रेवेन्यू, नेट इनकम, प्रॉफिट मार्जिन वगैरह कंपनी के काफ़ी बढ़िया, और ऊपर से क्रेडिट ग्रोथ रेट वगैरह कंपनी के जो है वो काफ़ी बढ़िया, NPS काफ़ी कम हुआ है और लोन बुक भी काफ़ी सॉर्टेड है। तो गाइज़, अभी आपको इस स्टॉक में जो है एक ऐसा ही रेंज बाउंड मोमेंटम और एक ऐसा ही जो एक रेंज में स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखेगा, जब तक जो है डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस जो है पूरा नहीं होता। तो मैं आपको यही राय दूंगा और मेरी आपको यही सलाह रहेगी, IDBI बैंक में आप तभी पोजिशन बनाइएगा जब यहाँ पर डिसइन्वेस्टमेंट जो है शुरू होने वाली होगी, तो आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि जब डिसइन्वेस्टमेंट होगी, न्यू इन्वेस्टर्स वगैरह आएंगे, तब जो इस शेयर में एक अच्छी रैली आपको बनती हुई दिखेगी। अच्छा जो है यहाँ पे कंपनी को डील ज़रूर मिलेगी, लेकिन अभी के लिए ये शेयर में आपको ऐसे ही रेंज में बॉन्ड मोमेंटम देखने को मिलेगा। कोई भी अपडेट अगर डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हम आपको बता देंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो चलिए इसका हल्का फुल्का आपको चार्ट सेटअप भी एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हम आपको IDBI बैंक का चार्ट सेटअप समझाते हैं। तो चार्ट सेटअप आप देख सकते हैं, एक ही रेंज में जो है स्टॉक अब जो है अटक चुका है, एक ही रेंज में जो है शेयर फंसा हुआ है, कहीं भी जो है स्टॉक जाने का नाम नहीं ले रहा और कहीं भी जो है इस शेयर में आपको रैली बनती हुई नहीं दिख रही। तो इसका मेन कारण यही है, सब जो है इसका डिसइन्वेस्टमेंट के लिए प्रोसेस के लिए रुके हैं। जिस दिन प्रोसेस होगी गाइस, यहाँ पे मुझे लगता है काफ़ी शानदार ब्रेकआउट होगा और आपको जो है 150 तक के टारगेट जो है IDBI बैंक में बनते हुए दिख सकते हैं। तभी कह रहा हूँ गाइस, अगर आप एक शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो अभी आपके लिए स्टॉक नहीं बना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप इस शेयर पे बैठे गाइस, तभी आपका जो है इस शेयर में पैसा बनेगा। अभी शॉर्ट टर्म में आपका उतना कोई खास पैसा जो है इस शेयर में नहीं बनेगा। तो IDBI बैंक में आप तभी पोजीशंस बनाइएगा अगर आप एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़ना चाहते हैं। बाकी कंपनी फंडामेंटली फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और डिसइन्वेस्टमेंट जो है होगी गाइस, वो प्रोसेस अभी चली है, इलेक्शन के बाद मुझे लगता है फास्ट ट्रैक जो है प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो गाइस, कोई भी अपडेट आता है IDBI बैंक से रिलेटेड, डिसइन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, हम आपको टाइम टू टाइम पे अपडेट देते रहेंगे। तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, धन्यवाद।